गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ. बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइंस लेसन फिफ्थ एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन. द नेम ऑफ द लेसन इज वर्किंग इंस्टीट्यूशन. ओके एंड टुडेज टॉपिक इज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. एज यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट एंड देयर फंक्शन. But today we will discuss about the parts of parliament, that means two houses, upper house and lower house, that means Lok Sabha and Rajya Sabha. What is the functions of Lok Sabha, what is the work of Rajya Sabha, how many members in Lok Sabha, how many members in Rajya Sabha, and what is the process to be member of Rajya Sabha and Lok Sabha. That means we will discuss about the many questions in these topics. Okay? तो आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं. आप लोग बुक्स में ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा. ओके सिंस द पार्लियामेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट जो है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है और एक सेंटर केंद्र का काम करता है. मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इंटू टू पार्ट्स. यानी कि बड़े बड़े जो भी कंट्रीज होते हैं, जैसे हमारा कंट्री वास्ट है, इसकी लार्ज एरिया भी है और काफ़ी डाइवर्सिटीज भी हैं, तो ऐसे में अधिक उसको ऑथेंटिक रोल करने के लिए कई पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता है, मेनली टू पार्ट्स में. तो देयर आर कॉल्ड चेंबर्स और हाउसेस. यानी जो पार्लियामेंट को जो हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चेंबर भी कह सकते हैं, अपर चेंबर लोअर चेंबर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ओके वन हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल. यानी कि जो वही एक हाउस है, एक हाउस के मेंबर्स चेंज, दैट मीन्स लोकसभा कह सकते हैं उसको, तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों द्वारा. जैसे हम लोग अभी 19 में चुनाव हुआ था एमपी का, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको वोट दिया था, हम लोगों ने मेंबर को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट दिया था, और जो कैंडिडेट विन कर गए थे, जो कैंडिडेट जीत गए थे, वो कहाँ गए, आपको संसद भवन में पार्लियामेंट में बैठे, उनको एमपी कहते हैं. तो एक हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं उसके मेंबर को डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट करते, याद रखना, ठीक है. हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो सिटीजन पीपल हुज एज ऑफ मोर देन या 18 इयर्स और मोर देन 18 इयर्स. ओके जिनका 18 इयर्स से ज्यादा एज होता है या फिर 18 ईयर हो जाता है, वो क्या करता है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबरों को, लोकसभा या फिर विधानसभा के मेंबर को इलेक्ट करता है. ओके और वो वास्तव में वही जो है रियल पावर का उपयोग करते हैं. कौन, लोकसभा का मेंबर ऑफ लोकसभा. ओके द सेकेंड हाउस इज, फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस है आपका लोकसभा, और सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस इज यूजली इलेक्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. लेकिन जो सेकेंड हाउस के लोग हैं ये इनका चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है, इनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और ये कुछ विशेष काम वर्क करते हैं, कुछ स्पेशल वर्क के लिए ये होते हैं. मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स. यानी कि जो सेकेंड हाउस के मेंबर्स होते हैं वे अलग अलग वर्कों में अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स हो गया, रीजन्स हो गया, फेडरल यूनिट्स हो गया, उसका वर्क वो देखते हैं. इन आवर कंट्री, हमारे देश की बात करें, हमारे देश में क्या व्यवस्था है उसकी, तो द पार्लियामेंट कंसिस्ट टू हाउसेस. हमारे देश में दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के. द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट. द काउंसिल ऑफ स्टेट एक राज्यसभा, और एक होता है द हाउसेस ऑफ पीपुल, यानी कि लोकसभा. लोक मीन्स क्या होता है, पीपुल, यानी कि लोगों की सभा. पूरे कंट्रियों, जो हमारे पूरे कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी सभा. वे लोग खुद ना आकर क्या किए हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके यहां पर भेजे हैं, किसमें, लोकसभा में. ओके उसको बोलते हैं पीपुल या लोकसभा बोलते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. देखिए प्रेसिडेंट भी क्या है, पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं. यानी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आप यहां क्लियर कर सकते हो कि देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. कौन कौन, द प्रेसिडेंट, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दैट मीन राज्यसभा एंड लोकसभा. ओके Although she is not a member of either houses, हालांकि वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं, पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, बट क्या है, वो दोनों के ऊपर है. तो देखना अपना, ये अपर हाउस लोअर हाउस,
और ये क्या है, प्रेसिडेंट है। तो दोनों में से किसी हाउस के ये प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते हैं बल्कि एक थर्ड पार्ट होते हैं। दैट इज वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेस कम टू इन फोर्स ऑफ फोर्स ओनली आफ्टर रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि इसी यही वजह है कि जब तक प्रेसिडेंट अगर उस किसी भी रूल पे साइन नहीं करे तो आपको लॉ नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि वेल बिल वाज पास्ड एक्ट, जो बिल है वो नियम कब बनता है कि आफ्टर साइन द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते हैं कोई भी एक्ट जो है रूल नहीं बन सकता है। ठीक है, कोई भी अधिनियम आपको नियम नहीं बन सकता है जब तक वो साइन नहीं करेंगे। आता है कि वेन वाज एक्ट इम्प्लीमेंटेड एज अ रूल, तो कब बनता है, तो आफ्टर साइन ऑन द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो रूल बन जाता है, अगर अदरवाइज नहीं बनता है। चलते हैं आगे देते हैं। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस, हमने पिछले भी क्लासों में क्लास 8-7 में पार्लियामेंट के बारे में कुछ न कुछ अध्ययन किया है पिछले क्लासों में। फ्रॉम द चैप्टर 4 यू नो दैट नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। अभी हमने देखा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इससे पहले जो लेसन 4 था हमने वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा, पढ़े होंगे, पढ़ेंगे भी, वीडियो अभी यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप देखेंगे तो कैसे इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ लोकसभा का, उसमें बताई गई है। दैट मीन्स आपको उसमें सारी प्रक्रियाएं नॉमिनेशन से लेकर के इलेक्शन का रिजल्ट आने तक की सारी प्रक्रियाएं वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक उस पर डिस्कशन की गई है। तो देखते हैं कि यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 4 जिसमें पढ़े थे। आज हम बात करेंगे इसके अलग अलग कंपोजिशन का, जो टू हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट का, तो लोकसभा एंड राज्यसभा में कि कौन कितना पावरफुल होता है, किसको क्या राइट्स होते हैं, इसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इज द टोटल मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जो लोकसभा राज्यसभा हैं उसके टोटल मेंबर कितने होते हैं। ठीक है, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, इसे कौन इलेक्ट करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष के लिए इलेक्ट होते हैं। तो आपको पता है कि मेंबर ऑफ लोकसभा कितने वर्ष के लिए, 5 ईयर्स के लिए। हमारे कंट्री में जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होती हैं कितने वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स दोबारा फिर से क्या होता है, इलेक्शन होता है। कैन द हाउसेस बी डिसॉल्व और द इनपरमानेंट, क्या ये जो हाउसेस हैं अपर हाउस लोअर हाउस, क्या ये हमेशा बरकरार रहते हैं कि कभी समाप्त भी होते हैं। तो एक बार बता दूं आपको कि जो लोअर हाउस होता है, सॉरी जो लोकसभा होता है, ये एवरी 5 ईयर्स के बाद डिसॉल्व हो जाता है, और राज्यसभा जो होता है वो कभी भंग कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसके मेंबर्स जो होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो 6 ईयर्स के बाद जो है 2/3 जो है वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनके बदले में फिर नया जो है मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो राज्यसभा जो है कभी डिसॉल्व नहीं होती है। कौन होता है, लोकसभा। लोकसभा एवरी 5 ईयर्स के बाद, या कभी कोई पीएम है जान देता है, या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन जनरली इसका टाइम है कितना, आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, चलते हैं आगे देखते हैं। विच द टू हाउसेस इज मोर पावरफुल, दोनों हाउसेस में कौन ज्यादा पावरफुल होता है। इट माइट अपियर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल फॉर सम टाइम इज कॉल्ड द अपर चेंबर एंड द लोकसभा इज लोअर चेंबर। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे अगर कोई पावरफुल है तो क्या है, राज्यसभा होता है। इट माइट अपियर, ऐसे देखने में लगता है कि राज्यसभा जो है पावरफुल है, इसको अपर हाउस बोलते हैं, लेकिन जो लोकसभा होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। देखने में लगता है कि अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और लोकसभा जो लोअर हाउस है तो कम पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्किंग एक्सपीरियंस देखते हैं हम लोग, काम करने की जो पावर्स होती है वो लोकसभा में ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के मेंबर होते हैं जिसको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी ही है क्या कि लोगों की सरकार है, पीपल्स गवर्नमेंट, जो लोग चाहेंगे वही होगा। लोग मतलब क्या, हम लोग इलेक्ट किए हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं डायरेक्ट, हम मैं ही होता हूँ, कंट्री के सिटीजन ही होते हैं, लेकिन अपने बदले में क्या करते हैं,
एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में इलेक्ट करके भेजते हैं। इसलिए जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो लोकसभा क्या होता है, वास्तव में पूरे पावर का एक्सरसाइज लोकसभा मेंबर करते हैं, राज्यसभा मेंबर नहीं करते हैं। ओके बेटा आप क्लियर है ना। बट दिस डज नॉट मीन द राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, यानी कि राज्यसभा पावरफुल लोकसभा से नहीं होता है। तो हु इज द पावरफुल, लोकसभा, एंड व्हाई, बिकॉज द मेंबर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में जो हमारे संविधान के द्वारा राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया, कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन बहुत सारे मैटरों पर क्या करता है, लोकसभा की ही निर्णय सर्वमान्य होती है। लोकसभा जो कहेगा उसी को फॉलो करना होता है, राज्यसभा की बातें नहीं होती हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं इजिली कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, तो मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप इसको देख सकते हो इजिली, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए तो हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं और इस वीडियो में, कि मेनली जो बोथ हाउसेस हैं आपके पार्लियामेंट के, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए दोनों हाउसेस के मेंबर्स का जो है एक साथ होना, यानी कि एक विचार होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें मेजोरिटी देख जाती है कि कितने लोगों की मेजोरिटी है, यानी कि निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, तो जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसकी बात को अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर, यानी कि जितने भी मनी मैटर होते हैं, किस अमाउंट को कहाँ खर्च करने हैं, कितना एक्सपेंस करना है, कितना आया कितना गया, इन सारे मैटर का कहाँ हिसाब होता है आपको, लोकसभा में। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर एक सभा एक साथ एक बार जो है लोकसभा मेंबर कर दे कि इसको इस वर्ग में इतना पैसे देना है, इतना पैसे की खर्च आ रही है, तो राज्यसभा उसको डिनाय नहीं कर सकता, राज्यसभा उसको मानना ही मानना पड़ता है, ये उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 डेज। तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट पे डिस्कशन होता है कि इसमें आपको 1 करोड़ रुपये खर्च है, लोकसभा पास करता है किसी कार्य को लेकर के, तो जाता है वो पास प्रस्ताव जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा मेंबर उसको रिजेक्ट नहीं कर, नहीं इतना नहीं होगा, होगा ही नहीं, खूब करेंगे तो कभी थोड़ा विचार कर ले, ज्यादा अमाउंट हो रहा है कुछ अमाउंट कम कर दो, यानी कि 14 डेज ओनली प्रस्ताव को रोक सकते हैं, उसको वापस नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए भेज सकते हैं। द लोकसभा मे और नॉट मे एक्सेप्ट दिस चेंजेज। अगर मान लो कि राज्यसभा कहता है कि भाई 1 करोड़ ज्यादा हो रहा है, आप इसको 80 लाख ही कर लो, जरूरी नहीं कि लोकसभा आपकी बात को मान ही ले, इस पर डिपेंड करता है आपकी बात को माने कि ना माने। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल मिनिस्टर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं क्या करते हैं, काउंसिल मिनिस्टर को कंट्रोल भी करते हैं। ओनली अ पर्सन हु इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। जो जितने भी लोकसभा मेंबर्स होते हैं वही क्या करते हैं, उसी में आपस में ही क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को जो सबसे अधिक मेजॉरिटी इकट्ठा कर सकता है उसको क्या करते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर ग्रुप में इलेक्ट करते हैं। ओके ठीक है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव क्विट। अगर मान लो किसी को अगर होता है कि भाई चलो तुम प्राइम मिनिस्टर रहो या प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, लेकिन अपनी लोकसभा मेजॉरिटी पास नहीं कर सकता है कि मेरे जितने मेंबर्स हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है क्या करना होता है, लोकसभा को छोड़ देना पड़ता है। हम आगे पढ़ेंगे इस क्यूट्यूब में कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है, हम उसमें चर्चा करेंगे उसको। ओके